नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पांच की आंच। मैं हूं अपर्णा मौज़म। आज बात उस घोटाले की जिस पर सियासी बवाल मच गया है। एक ऐसा घोटाला जिसे व्यापम 2 कहा जा रहा है। अब इस घोटाले में खुलासा हो रहा है परत दर परत। मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला इन दिनों सुर्खियों में है। प्रदेश से लेकर दिल्ली राजस्थान तक इस घोटाले के तार जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं और मामले से जुड़े घोटालेबाज का खुलासा भी किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सीबीआई और पुलिस के कुछ अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं, जिसके बाद अब जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों का खेल, घोटाले पर घोटाला। एमपी में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है, जबलपुर यूनिवर्सिटी। तो ये घोटाला पे घोटाला चलता रहती है, एग्जाम आती है, पॉइंट कर देती है। दिक्कत तो बहुत है, मतलब प्रॉब्लम अभी झेल ही रहे, कम से कम 6 साल हो गए यहाँ पे। आर्थिक कंडीशन भी खराब हो गई सर, अब घर पे बोल रहे कि बेटा कब तक डिग्री मिलेगी। वैकेंसी आ रही है, उनमें भी घोटाले हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य का सवाल। हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब कोई वजूद ही नहीं हमारा। तो वहाँ बोलते हैं कि 4000 में आओ, 4000 रुपए लो। अब आप बताओ 12-12 घंटे जॉब कौन करेगा 4000 में। रजिस्ट्रेशन रहे तो उसमें पैसे भी मिले सर। एमपी में मचा सियासी बवाल। हमको सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है। और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। जिनके गले गले तक भ्रष्टाचार में जिनके नेता डूबे रहे हैं, आज वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब जब जांच एजेंसियों ने पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की तो दर्द किसी को होता है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये कार्रवाई भी बहुत पारदर्शिता के साथ चल रही है। नर्सिंग घोटाले की जांच कहां तक आज। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच में जुटी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से एमपी तक चल रहे खेल का पर्दाफाश हो गया। सीबीआई ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में छापामार कार्रवाई कर 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही सीबीआई के 4 अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ सियासत और दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य। नर्सिंग घोटाले पर बयानबाजी तेज है, लेकिन सवाल तो बच्चों के भविष्य को लेकर है। हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा तो छोड़िए, पढ़ाई तक नहीं हुई है। फीस भरी जा चुकी है, लेकिन अब रिफंड का कोई अता पता नहीं। कॉलेजों पर जांच की आज और बच्चों को अपने भविष्य की चिंता। उधर व्यापम मामले के विसल ब्लोअर ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में घोटाले का मामला अब तूल पकड़ चुका है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन छात्रों पर पड़ रहा है जो एडमिशन लेने के बाद अब परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार कितना और करना पड़ेगा कोई नहीं जानता। अभी झेल ही रहे, कम से कम 6 साल हो गए यहाँ पे। जैसे 2019 में एडमिशन लिया था हमने, 19 अगस्त में आए थे हम, अब आप देख लो 24 मई आ गया है। और जो एग्जाम अभी चल रही है हमारी 3rd ईयर की, ये पिछले साल मई में होने वाली थी। जो एग्जाम अभी ये चल रही है, अभी इस साल हो रही है। काफी टाइम से ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं सर हम। और सर अब मनी का भी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन तो है नहीं हमारे पास। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी 6-7 हजार रुपए की बोलते हैं, और कम ही बोलते हैं, मतलब कम मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन रहे तो उसमें पैसे भी मिले सर। छात्रों का भविष्य अधर में है। कॉलेजों में फीस जमा है, लेकिन परीक्षा का कोई पता नहीं। छात्रों पर मानसिक और आर्थिक दोनों ही तरह का दबाव है। एमपी में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है, जबलपुर यूनिवर्सिटी। तो ये घोटाला पे घोटाला चलता रहती है, एग्जाम आती है, पॉइंट कर देती है, कुछ ना कुछ इधर उधर चलता रहता है। भविष्य अंधकार लगने लगा। अभी मैंने भी लास्ट ईयर कम्प्लीट हुआ, लेकिन रोजगार के ऐसे कोई अवसर नहीं मिल रहे, ना कोई प्लेसमेंट है कॉलेज की तरफ से, या कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर सके। अब बहुत सारा आर्थिक कंडीशन भी खराब हो गई सर, अब घर पे भी बोल रहे कि बेटा कब तक डिग्री मिलेगी। हमने बोला हम पापा मिल जाएगा, थोड़े बहुत दिन बाद में मिल जाएगी, पता नहीं ये टाइम चेंज कर देते हैं। काफी टाइम से ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं सर हम।
मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। व्यापम मामले के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने नर्सिंग और पैरामेडिकल में 50,000 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगाया है। सकलेचा का आरोप है कि 2017 से नर्सिंग और पैरामेडिकल में छात्रवृत्ति घोटाला चल रहा है। ये उस छात्रवृत्ति के लिए सारा खेल हो रहा है और इस खेल में सरकार पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल खेला गया ये व्यापम पार्ट टू है। 70-80 हज़ार बोगस छात्रों को आपने एडमिशन दे रहे हैं और सालों से घोटाला चल रहा है, और इस घोटाले का अमाउंट कितना होगा इसकी कल्पना नहीं, क्योंकि सरकार तो क्या घोटाला उसको मानती ना जो सरकार की जेब से पैसा निकल रहा, पर जो पैसा स्टूडेंट की जेब से भी निकल रहा वो भी तो घोटाले का हिस्सा है ना। इस पूरे मामले में पारस सकलेचा ने व्यापम से लेकर नर्सिंग और पैरामेडिकल मामले में सीबीआई के पारदर्शिता नहीं दिखाने की बात भी कही है। फिलहाल जांच की जा रही है, जांच में क्या खुलासा होगा देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कुल मिलाकर नर्सिंग कॉलेज घोटाले की चर्चा तेज है और अब इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नर्सिंग कॉलेज घोटाला आखिर है क्या, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं हम कि आखिरकार क्या है नर्सिंग कॉलेज घोटाला और कैसे सामने आया। साल 2020 में नर्सिंग कॉलेज घोटाला सामने आया था। इसके टेक्निकलिटी समझते हैं, क्या है इस घोटाले के अंतर्गत, क्या क्या हुआ है। फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने का ये मामला है, यानी कि कागजों पर दिखा दिया गया कि ये नर्सिंग कॉलेज है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। जिन कॉलेजेस को मान्यता मिली वो सिर्फ कागज पर थे, जमीन पर गए तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कोई इक्विपमेंट था। कई फर्जी कॉलेज अस्पताल से तो जुड़े हुए ही नहीं थे, यानी कि उनका कोई एसोसिएशन अस्पतालों से नहीं था। स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने भी इन कॉलेजेस को मान्यता दी हुई थी। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इन्हें मान्यता मिली हुई थी। फर्जी कॉलेजों पर डिग्री बांटने का आरोप भी है, यानी कि जो कॉलेज जमीन पर थे ही नहीं उन्होंने छात्रों को डिग्री बांट दी। बिना कोई प्रैक्टिकल कराए, बिना कोई ट्रेनिंग दिए इन्होंने डिग्री छात्रों को ऐसे ही बांट दी। और साल 2020-21 में नर्सिंग काउंसिल के रिकॉर्ड में इस बात का खुलासा होता है। एक महिला 8 कॉलेजेस की प्रिंसिपल निकलती है। जी हाँ, एक महिला कागजों पर 8 कॉलेजों की प्रिंसिपल थी। तो ये इस तरह से घोटाला सामने आया और अब इस घोटाले को लेकर राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हो गया है, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल वही बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद अनफिट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 31 जिलों के 66 अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कॉलेज कहां से है, बैतूल जिले से है। करीब यहां 8 कॉलेज हैं जो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर ने अनफिट कॉलेजों की सूची संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को दे दी है। सीएम ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजेस के जो पुराने छात्र हैं वो प्रभावित नहीं हो सकेंगे, उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अनफिट कॉलेजों को लेकर इंदौर समेत कई जिलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और छात्रों को ये कहा जा रहा है कि उन पर कोई असर इस कार्रवाई का नहीं पड़ेगा। तो सीएम के निर्देश पर ये कहा गया है कि असर नहीं पड़ेगा। जो निर्देश प्राप्त हुए थे उनमें हमको 5 नर्सिंग कॉलेजेस की सूची प्राप्त हुई थी और उन सभी 5 नर्सिंग कॉलेजेस को हमारे द्वारा सील किया गया है। हालांकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनगोइंग है, जिनका एग्ज़ाम ड्यू है, उस संबंध में एक अलग प्रकार के निर्देश जारी हुए थे जिनका भी पालन साथ में किया जा रहा है। सर, ये क्या कोर्ट के शासन के निर्देशों के आधार पर इसको किया गया है। देखिए, इसमें जो सीबीआई या जो अन्य कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस संबंध में पत्राचार शासन के स्तर पर हो रहा है और उसी आधार पर शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करते हुए हमारे द्वारा कार्य। तो सीएम के निर्देश पर फर्जी कॉलेजों पर एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन सवाल बच्चों के बने हुए हैं। उन बच्चों का क्या होगा जो कॉलेज में फीस भर चुके हैं, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, डिग्री तो मिलने से रही लेकिन उनकी फीस का क्या होगा। एक मिनट के लिए सोच लेते हैं, फीस वापस भी मिल जाए लेकिन जो वक्त छात्रों का निकल गया है वो वापस कैसे आएगा। 3-3 साल छात्रों ने दे दिए हैं, हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो देखिए, प्रदेश में कुल 370 नर्सिंग कॉलेज हैं,
कैसे छात्रों का भविष्य अधर में है, क्यों हम ये कह रहे हैं, अधर में करीब 1,00,000 छात्रों का भविष्य यहां पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने 2019-20 और 2020-21 बैच के छात्रों के लिए परीक्षा की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। 2020-21 करीब 35,000 छात्रों ने एग्जाम भी दिया है। 2020-21-22-23 बैच के छात्र बच गए हैं। इसको लेकर अभी तक कोई निर्देश नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे में 50,000 छात्रों का भविष्य अधर में फिलहाल दिखाई दे रहा है। उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि परिवार पूछ रहा है कि क्या, कहां है डिग्री, कहां है नौकरी, छात्रों के पास कोई जवाब नहीं है। तो घोटाले पर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए उल्टा कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह भी मामले की जांच को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में घोटाले का ये बवाल प्रदेश में तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एमपी का नर्सिंग घोटाला इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है सरकारी सिस्टम की मिलीभगत। पहले कॉलेज संचालक और सरकारी सिस्टम मिलता है, भ्रष्टाचार को अंजाम देता है, फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई अफसर भी घोटाले में शामिल हो गए। घोटाले के भीतर एक और घोटाला होता है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस के घोटाले को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर दिख रही है। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा कि ये अत्यधिक गंभीर मसला है। स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय कई वर्षों से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनकी जांच सीबीआई क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की पोल खुल गई है। सरकार को पारदर्शिता साबित करना है तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री से पूछताछ होना चाहिए। उनके विभाग का मामला है, लेकिन सरकार उससे बच रही है। और जिस तरीके से सीबीआई में भी आपने देखा कि एक घोटाला हो गया, सीबीआई को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की, लेकिन ये नर्सिंग घोटाले की कार्रवाई कहीं फुस न हो जाए, कहीं ढुलमुल तरीके से इसका निपटान न हो जाए और फाइल क्लोज न हो जाए, इसको लेकर के बहुत जरूरी है कि जिन लोगों का संरक्षण था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दिग्विजय सिंह जी, पूरी कांग्रेस को हम स्मरण कराते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग का विषय था उसमें जो भी गड़बड़ थी उसकी जांच 2021 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ करी। न कांग्रेस न कांग्रेस के किसी साथी का अता पता था। मामला गंभीर था इसलिए सीबीआई जांच की बात की गई। सीबीआई जांच के बाद सीबीआई में गड़बड़ थी तो सीबीआई ने ही फिर कार्रवाई करी और भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार भी किया और बर्खास्त भी किया, और जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन घोटाले पर चर्चा नहीं हुई। क्यों कमलनाथ की सरकार घोटाला उजागर नहीं हुआ, सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। कुल मिलाकर नर्सिंग घोटाले पर सियासत खूब हो रही है। दोनों तरफ वार पलटवार जारी है। कांग्रेस सरकार को घोटाले पर घेरने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी उल्टा इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। अब भ्रष्टाचार के दोषी अफसर तो जेल में है, लेकिन कार्रवाई अभी बाकी है। इस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई बाकी है जिन्होंने 1,00,000 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों का भविष्य अधर में लटका दिया। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई आखिर इन दोषियों को जेल के सीछों के पीछे कब डालती है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो सियासत भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन जान लेना जरूरी है कि अब तक नर्सिंग घोटाले में क्या क्या हुआ है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से। जांच एजेंसी की ओर से लगातार मामले में कार्रवाई की जा रही है। जांच की आज कहां कहां तक पहुंची है, आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से अक्टूबर 2022 में इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की गई थी। साल 2022 अक्टूबर का महीना, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। लेकिन यहां पर भी एक और पेच है कि हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई की टीम शुरू करती है, लेकिन क्या होता है कि यहां नर्सिंग कॉलेजेस में कई अनियमितताएं पाई जाती हैं, और इसके अलावा सभी 364 नर्सिंग कॉलेजेस की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं।
हाईकोर्ट ने इस जांच के आदेश दिए थे, इसलिए जांच होती है सभी 364 कॉलेज की। मानक पूरा नहीं था, उसके बावजूद भी मान्यता दी गई। जो नर्सिंग कॉलेज के मानक होते हैं वो पूरे नहीं थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने निरीक्षण दल इंस्पेक्शन टीम बनाई थी। जांच के बाद कोर्ट को सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई टीम ने जो अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 169 नर्सिंग कॉलेज शामिल थे, लेकिन इन पर भी 73 नर्सिंग कॉलेजेस को अपूर्ण बताया गया था, डेफिशिएंट बताया गया था, और 66 को अनुपयुक्त के रूप में पहचाना था, यानी कि वो सूटेबल नहीं थे। लेकिन जो सूटेबल थे ना उसमें भी यहां पर धांधलेबाजी की गई है। सीबीआई की ओर से जांच शुरू की गई। इस जांच में पुलिस और सीबीआई के अधिकारियों की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ। जांच एजेंसी ने दिल्ली से मध्य प्रदेश और राजस्थान तक एक्शन लिया, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए। क्या क्या खुलासे हुए वो भी हम आपको बता देते हैं। खुलासे किस तरह से हुए, भोपाल, इंदौर, रतलाम, जयपुर में छापे मारे गए। 2,33,00,000 रुपए कैश मिला। जी हाँ, 2,33,00,000 रुपए कैश मिला। सोने के बिस्किट मिलते हैं, जो डिजिटल डिवाइस होते हैं वो मिलते हैं। 150 मामलों से जुड़े दस्तावेज जब्त यहां पर किए गए। 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये कार्रवाई अब तक हुई है। 13 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे धांधलेबाजी में सीबीआई इंस्पेक्टर, जिनको जांच का जिम्मा था, इंस्पेक्टर को शुरुआत में ही उसे भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि 10,00,000 रुपए की रिश्वत के साथ अरेस्ट किया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर को भी अरेस्ट किया गया। एजेंट ओम गोस्वामी, रवि भदौरिया और जुगल किशोर के खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई होती है। 3 महिलाओं को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये अब तक कार्रवाई हुई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर नर्सिंग होटल से जुड़ी बड़ी खबर। नर्सिंग कॉलेजेस की होगी दोबारा जांच। सीबीआई जांच में सही मिले कॉलेजेस की जांच होगी। हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है, पूरी जांच प्रक्रिया वीडियो कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। जी हां, जो 169 कॉलेजेस को सही बताया था सीबीआई जांच में, वहां भी मैनिपुलेशन हुआ है, वो कॉलेजेस भी सही नहीं हैं, इसलिए अब दोबारा नर्सिंग कॉलेजेस की जांच कराई जाएगी, वो भी वीडियो कैमरे की निगरानी में। ये पूरी जांच प्रक्रिया होगी। हाईकोर्ट ने ये बड़ा निर्देश दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच कराने का हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। वीडियो कैमरे की निगरानी में होगी ये जांच, ताकि कहीं कोई धांधलेबाजी ना हो पाए, कोई लूपहोल ना रह जाए। इसीलिए ये पूरा इंस्पेक्शन, जो जांच प्रक्रिया होगी, वो वीडियो कैमरे की निगरानी के साथ की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे। पवन, बताए कोर्ट ने क्या कहा? जी, कोर्ट ने आज जब सुनवाई की गई तो सबसे पहले कोर्ट ने दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं, यानी जो सूटेबल कॉलेज थे जिनकी सीबीआई जांच एक बार हो चुकी है और जिन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, उनकी दोबारा से जांच होगी। और इस जांच के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आगामी जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई के साथ जांच में मौजूद रहेंगे। इस पूरी जांच की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि कहीं कोई बाद में इस पर सवाल ना उठाए। फिलहाल ये एक बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में जांच के लिए। पिछली बार जब जांच की थी तो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें सीबीआई के अफसर ही, यानी जो जांच करता थे, वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, रिश्वत लेने की जानकारी सामने आई थी। तो कोर्ट में जब दोबारा यह कल लगाई गई, जिसमें यह तर्क दिया गया कि जो जांच हुई है वो कहीं ना कहीं दूषित है, उसको लेकर के आज कोर्ट में जांच। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब पूरी जांच प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ होगी, और हमारे साथ शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और साथ ही विसल ब्लोअर पारस सकलेचा भी जुड़ गए हैं, व्यापम मामलों के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा। जी पारस जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आया है, उसको लेकर आपका रिएक्शन, जांच जिस दिशा में बढ़ रही है उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? ये जो नर्सिंग घोटाला है, ये सिर्फ 338 कॉलेजों का नहीं है, इसमें पैरामेडिकल कॉलेज भी है, पैरामेडिकल स्कूल भी है, एएनएम वाले का स्कूल भी है, जीएनएम वाले स्कूल भी है, एमएससी नर्सिंग भी है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी है,
ऐसे मिलाकर 1143 निजी स्कूल और कॉलेज इस घोटाले में शामिल है और इन सारे में मिलकर 1,18,000 विद्यार्थी को इन्होंने एडमिशन दिखाया। तो ये सारा घोटाला जो हो रहा है ये इस बात को लेके है कि इनमें से अधिकांश को शासन की ओर से छात्रवृत्ति मिलती है 55,000 से लेके 1,00,000 तक प्रति वर्ष, और उसका खेल बड़े लेवल पे हो रहा है। जब कॉलेज स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, सिर्फ कमरे के अंदर कॉलेज दिखा रहे हैं, तो वहां पर 300 बच्चों का एडमिशन दिखाया तो 300 बच्चे कौन है? वो सारे बोगस है। एक एक बच्चे जैसे एक टीचर 8 जगह काम कर रहा, एक प्रिंसिपल 8 जगह काम कर रहा, ऐसे ही एक एक स्टूडेंट 12 जगह उसका एडमिशन दिखाया गया है और सारा घोटाला। अभी इसमें पैरामेडिकल की जांच की भी मांग हमने कोर्ट से की है। ये तो सिर्फ नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही है, हम जीएनएम स्कूल की बात कर रहे हैं, एनएम स्कूल की बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं। पैरामेडिकल के 244 कॉलेज स्कूलों के अंदर 50,000 बच्चों को एडमिशन देके दिखा जा रहा, वे सारे के सारे इस घोटाले में शामिल है। और जब इस घोटाले की जांच बड़े लेवल पे जाएगी, अभी जो सीबीआई जांच कर रही है वो कॉलेज को और स्कूलों को दी गई मान्यता को लेके है। इसके अंदर जो एडमिशन है वो लोग जीनाइन है कि नहीं है, एक ही व्यक्ति पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, वास्तव व्यक्ति है कि नहीं है, उसके जो कागजात है वो कितनी जगह उपयोग किए जा रहे हैं, इसकी जांच का विषय तो बाद में खुलेगा। तो जितने बड़े लेवल का घोटाला है उतने बड़े लेवल का इसमें अमाउंट मिल के आएगा। और ये सारा का सारा घोटाला व्यापम का पार्ट टू है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर में मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज है और नर्सिंग कॉलेज है, और ये सारे कॉलेज मिलके जिस तरह से मध्य प्रदेश की चिकित्सा प्रणाली को तहस नहस कर दिया कि आज भी हम शिशु मृत्यु दर में टॉप पे, मातृ मृत्यु दर पे टॉप पे, बाल मृत्यु दर पे टॉप पे, नवजात शिशु मृत्यु दर पे टॉप पे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। बीजेपी वाले इसके अंदर उनको बचा रहे, ये बड़ी दुख की बात है। कोई सरकार ने थोड़ी जांच की, हम लोग एक्टिविस्ट लोग हाई कोर्ट गए जबलपुर में, हम 2019 से एक्टिविस्ट लोग चिल्ला रहे, नहीं सुना तो हाई कोर्ट पे आवेदन लगाया। हाई कोर्ट ने जब सरकार खड़ी हुई तो सरकार ने तो क्लियर कहा वहां पे कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है, सर कॉलेज को नियमानुसार मान्यता दी गई है और नियमानुसार चल रहा है। पढ़ना चाहूंगी आपकी ही बात को लेकर एक छोटा सा सवाल बीच में आपसे, कि आपने कहा कि बड़े लेवल पर घोटाला हुआ और बड़ी राशि का घोटाला हुआ है, तो पॉसिबल है कि बड़े नामों की ही संरक्षण में या बड़े नामों के संज्ञान में रहते हुए ये घोटाला हुआ है? बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि इसमें सबका घोटाला है। और सीबीआई को, मैंने व्यापम घोटाले में भी कहा था कि सीबीआई को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी थे उनसे पूछताछ करना थी कि घोटाला हुआ आपके संज्ञान में आया, फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे हम यहां भी चाहेंगे कि उसके अंदर जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी रहे उनसे पूछताछ हो। जी 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 जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर जी। हाँ, तो हमारा कहना है कि भाई आप सिर्फ काले सिर्फ छोटे मोटे लोगों को नर्सिंग परमिशन को बनाते हैं, पैरामेडिकल को बनाते हैं, आप पीएस से बात नहीं करते, आप आयुक्त से पूछताछ नहीं करते कि भाई आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ इतने बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ वेतन लेना और सास की संपत्ति के धन पर ऐशो आराम करना है क्या? उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते सीबीआई? सीबीआई नहीं भगत है जी, चिकित्सा शिक्षा ठीक है। अब शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यहाँ पर हर चीज पर नजर रख रहे हैं। जी शैलेंद्र, अब इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परमेंट भी बढ़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इसमें चौंकाने वाली, जिस तरह भी पारस अखिलेचा भी बता रहे हैं कि घोटाले में घोटाला तो होता है कि पहले हाईकोर्ट जांच देती है, सीबीआई